हेलो एंड वेलकम टू वात्सल्य। टुडे वी विल मेक जिंजर अचार एंड यू कैन से इट जिंजर चटनी आल्सो। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये जिंजर जो है मैंने अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। इसके आपने छिलके निकाल देने हैं जिससे कि ज़रा सी भी इसमें मिट्टी ना रह जाए। उसके बाद इस जिंजर इतने से जिंजर के लिए मैंने इतनी सी जैगरी यूज़ की है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में रख लिया है। उसके बाद मैंने डेट्स यूज़ किए हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, रेजिन्स, किशमिश, अजवाइन, टैमरिन पल्प, सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स मींस जीरा, ऑयल। इसमें हमने जैगरी और डेट्स का प्रोपोर्शन इस हिसाब से रखना है कि अगर हम डेट्स ज़्यादा डाल रहे हैं तो जैगरी थोड़ी सी कम डालेंगे और जैगरी ज़्यादा डाल रहे हैं तो डेट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। पर मेरे हिसाब से अगर इसमें आप डेट्स ज़्यादा डालेंगे तो ये जिंजर अचार का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है, क्योंकि इसमें डेट्स के साथ जिंजर जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ये लिया है मैंने 1.5 कप ऑयल, 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आप इसको जिंजर के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जिंजर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी। ये मस्टर्ड ऑयल है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं जब तक कि इसके फ्यूम्स ना आने शुरू हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स, जिंजर, अदरक, इसके साथ डाल देते हैं हम लोग थोड़ी सी अजवाइन। टैमरिन पल्प, डेट्स, किशमिश, रेजिन्स और जैगरी। इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, अब हम लोग इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये जो है जिंजर और बाकी का जो है मसाले वो अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। इसमें हमने चिल्ली के लिए रेड चिल्ली नहीं डालेंगे हम लोग इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। चिल्ली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसको पका लेते हैं जब तक कि ये सारा इसका जूस जो है अदरक का वो ड्राई ना हो जाए। इसको ठंडा होने पर आप किसी कंटेनर में बॉटल में भर के रख लीजिए। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये फ्रिज के बाहर भी 10 और 15 डेज के लिए चल जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। और इसको बनाने के लिए हार्डली 10 मिनट्स लगे हैं
और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाना है, जिससे कि ये जिंजर जो है वो पैन के साथ लगे नहीं और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। ये देखिए, ये जिंजर अचार बनके रेडी हो गया है। अगर इसमें अगर आपको लगे कि थोड़ा सा तेल कम है, तो आप इसमें तेल को गर्म करके ठंडा होने पर भी ऐड कर सकते हैं। ये अचार जो है थ्रोट रिलीफ और चेस्ट कंजेशन में भी हेल्पफुल है। इसका अगर आप एक चम्मच सवेरे और शाम लेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसको आप विदाउट वेजिटेबल के भी परौंठे के साथ खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।